रख लीजिए, 50,000 हैं। किस बात के? मस्जिद के लिए चंदा है मेरी तरफ से। 100 का स्टाम्प लगता है ना? हाँ, 500 दूंगा। आपने शौकत अली की मंगेतर भी आई, वो आपकी बीवी भी आ लेगा। अल्लाह की अब यही मर्जी है। मैं कह रहा हूँ इस पे सहन करके अंगूठा लगा दो, नमाज रोजे सब कबूल हो जाएंगे। नमाज रोजे तो अल्लाह की मर्जी से कबूल होते हैं शौकत अली साहब। कोई अल्लाह की बंदे का काम तो बस उसके हुक्म की पैरवी करते रहना है। वैसे मैं तुझे एक बात बताऊं शौकत अली, जोर जबरदस्ती शरीयत को मंजूर नहीं है। सैन अंगूठा लगेगा तो आऊंगा तेरे पास नथली लेकर। वो क्या बात है पोले? वो शौकत अली को पुलिस पकड़ के ले गई है। जेल था ना, नानी का घर होता है बच्चिया, एक बारी आके रोटी खा जाओ ना तो हमेशा रोटी के वक्त उसकी याद आती है। इसे बंद कर दूं जाओ। और ये करते हैं बंद, से करते हैं। पहले चौकी इंचार्ज कनकपुर की आंखों में आंखें डाल के घूरने की दवाई तो प्या दू इसे। ड्राइंग रूम में लेटाओ इसे। बात सुनो थानेदार साहब, कौन लटाएगा मुझे? मैं लटाऊंगा कमियां। तो फिर थानेदार साहब एक बारी लटा लो तो उठने ना देना मुझे, वरना मैं उसी जगह लटा दूंगा आपको। और फिर मैंने लटा दिया तो कलमे की कसम है मुझे, कयामत वाले दिन उठेंगे आप। चौकी इंचार्ज कनकपुर को धमकी देता है कमियां? ना ना, चपेड़ मारने से पहले चपेड़ की कीमत पूछ ले। 100 गुना महंगी पड़नी है आपको। जान से मार दूंगा तुझे, यही मुनासिब है आपके लिए। आज मैं हथ आ गया हूं तो जान से मार दे मुझे, कल जिस जिसने मेरे हाथ आने मैंने जान से मार देना उसे। ओए! आप और ना कि ये शौकत अली को हथकड़ी किसने लगाई है? मेहर साहब, कोई रपट कोई पर्चा है इसके खिलाफ? आपकी कनपट्टी पे पिस्तौल रखा था इसने, याद नहीं है आपको मेहर साहब? कानून का कोई लिहाज नहीं है आपको? कनपट्टी मेरी, मुद्दई मैं,
जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो आपके पेट में क्यों पीड़ उठती है? मैं लिख के दे दूं कि शौकत अली को अपना खून पेश की माफ कर दिया है मैंने? उतारो हथकड़ी। ओए, खोले इस खेत में। चल चल शाबाश। ना कि इस बात लिहाजी की मैं माफी मांगता हूं। जा आप बड़ी गलती कर रहे हो मेहर साहब। ना की दुआ करो, जो गलती करे अल्लाह उसको हिदायत दे। आपने उसकी शक्ल को देख के गौर नहीं किया मेहर साहब? इसके इरादे नेक नहीं लगते। आपने मेरी शक्ल देखकर गौर नहीं किया? इरादे नेक है मेरे। सब आखण मत खेडिए बाजी, जिस बाजी विच हरिए पार चना दे जाए नाही देखड़े बुक बुक पीवे खून जिगरदा दे मास दिलादा कावे तू अल्लाह 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 जान
अखियां अखां दे नाल लड़िए अल्लाह अल्लाह तू शौकत अली है ना? शौकत वाला अली सिर सुट के नहीं बैठता। शौकत अली हक हो। बाबा जी मार दूं उसे। देख शौकत अली, मारने का हक उसी का है जो पैदा करे। तू कमलिया अपने गम को नहीं मार सकता तो बंदा कैसे मार सकता है। हक हो हक हो हक हो। भाईजान मैं क्या ना मगरिब की नमाज पढ़कर आएंगे बाजमात। जोहर से मगरिब तक दो खबरें मैं सुन चुका हूँ और तीसरी ये कि मगरिब की नमाज पढ़कर आएंगे। भाई मान लिया कि अब उनका जहन बदल चुका है, मगर मैं ये कैसे यकीन कर लूँ कि दूसरों का जहन भी बदल गया है। और मुझे तो हर बारी ये हुक्म दिया जाता है कि बाहर नहीं निकलना, गाँव के मसले में टंग नहीं अड़ानी और कान पट्टी पे पिस्तौल रखने वालों को खुला छोड़ दिया है। और तू आप ही सोच, मस्जिद से हवेली का रास्ता 2 से 2.5 फरलांग है और मगरब की नमाज मुकते ही अंधेरा हो जाएगा और फिर से उसने रास्ता रोक लिया तो।
देख शौकत अली, मारने का हक उसी का है जो पैदा करे। तू कमलिया अपने गम को नहीं मार सकता तो बंदा कैसे मार सकता है। डर गए कि फिर फांसी हो जाएगी। मेरे और उसके अंदर एक फर्क आ गया रखी है। मैं मारना सीख के आया हूं तो उसने बचाना सीख लिया। मैंने जो सीखा है वो रब का इख्तियार है। उसने जो सीखे है वो रब की आदत है। जो रब की आदत भर जाए रब उससे खुश हो जाता है, पर जो उसका हक इस्तेमाल करे रब उससे नाराज हो जाता है। मुझसे नाराज हो गया तो उसे भी नाराज हो गया, वरना मार देने की कसम खाई हो, कनपटी पर पिस्तौल रखा हो तो कोड़ा दबाने में कोड़ा चलाने जितना टाइम नहीं लगता। हम अदालत में लड़ेंगे, थोड़ी देर लग जाएगी ना, कोई बात नहीं। पहले कौन सा बाहों में बाएं डाल के फिरा करते थे हम। मुझे बुज़दिल ना समझ, समझ के रब की रजा के सामने कोई बादल नहीं होता। रखी हाथ ना लगाई मुझे, उसे भी मौत पड़ी तो रब ही याद आ गया उसे। तुझे भी फांसी ने डराया तो रब से सीधे रब्ते हो गए तेरे। थाने से वही छुड़ा के लाया मुझे। थानेदार ने लख डराया पर नहीं डरिया। वो कहता है पेशगी लिख के देता हूं, शौकत अली को मेरा खून माफ है। अब तू बता, मरे हुए को मारूंगा तो रब क्या समझेगा? तू क्या समझेगी? मन भावे ना मन, मौलवी साहब ने भी मिंबर पर खड़े होकर कहना है मैं सरखाब शौकत अली के हाथों शहीद हो गया। बुज़दिली के लिए एक बहाना ही काफी होता है शौकत अली, और तूने तो दो दो काट लिए।
अल्लाह रखे। और ना कि माए हूं अल्लाह रखी मायर सुरखाब, तेरा नोटिस मिल गया है मुझे। और ना कि तू शर्मो हया वाली है, तुझे अदालत कचहरियों के चक्कर नहीं लगवाऊंगा मैं। हफ्ता 10 दिन बैठ के सोच ना कि अगर तेरी फिर भी यही मर्जी हुई तो शौकत अली के हाथ स्टाम्प भेज देना, मैं दस्तखत कर दूंगा अंगूठा लगा कर। और हाँ शौकत अली अभी नामहरम है तेरे लिए, ताकि उसके घर ना जाया कर। अस्तग़फ़िरुल्लाह। बात सुन रखी, इस कमीने की बातों में ना आना। अंदर का शैतान छुपाने के लिए मौलवी बन गया खबीस। मंशा इसकी बस इतनी सी है कि किसी तरह घेर घार के तुझे हवेली वापस ले जाए। और याद रखना अल्लाह रखी, इस बार तू हवेली गई तो समझ फिर गई। तू बीमार है अम्मा? लगता तो नहीं है। कड़ी चुप करके बैठ रखिए। अल्लाह रखी। चल। अम्मा मेरा नाम भी लिखा है। तू चल तो सही। फिर आ गई, कोई साल तो खाली जाने दे। आजा आजा, रखी घर पे नहीं है। कहां गई है? अस्पताल। अस्पताल? मासी की तबीयत खराब है, दवा लेने गई है। तेरे मेरे बगैर रखी को साथ लेकर? और रखी भाई साहब अब किसी से नहीं डरती। अब तो मासी भी किसी से नहीं डरती। साइकिल कहाँ है तेरी? पंचर हो गई है, दुकान पे दी है। एक बात बताऊं तुझे, तू जब भी सड़ती है ना
पराठा छाड़ देती है। हाय मैं मर गई। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है, वो मां बनने वाली है। कहां है वो? वो मर गई है डॉक्टर साहब। अम्मा पर वो चल आ गई तेरी बारी। चाचा तेरे साथ दो जनानी सवारियां बैठी थी, वो कहां उतरी हैं? और मैं बस चढ़न वालियां सवारियां दा गौर करना, उतर के किथे जांदियां ने ऐ मैनू पता नहीं। वैसे जाना वना कनकपुर सी, पर अचानक रादा बदल के पीछे फाटक ते उतर गईयां ने दोवें। मेहरबानी है माँ, कहाँ जा रही है? और शौकत अली को देख के रास्ता बदलने की क्या जरूरत है? देख बहुते सवाल ना कर ला रखी है, तेरे पास सवाल करने का टाइम है ना मेरे पास जवाब देने का। चल
आ जाओ। तू बैठ, बुलाऊं तो आ जाना। मेरे साथ मेरी बेटी है, शादीशुदा, मां बनने वाली है। मां नहीं बनना चाहती। क्यों? तलाक का केस चल रहा है उस पर। फिर तो गैर कानूनी काम हुआ ना। गरीब पर जितनी भी मुसीबतें पड़ती हैं ना, उनका हल, इलाज गैर कानूनी होता है। करता क्या इसका शौहर? ये पूछो, ये क्या करती है? जिस दिन तलाक हो गई ना, अगले दिन पट्टे पे इंटे बनाने चली जाएगी। 10,000 लूंगी। क्या हुआ? नहीं है 10,000। चल 8 दे दें। 8 भी नहीं है भाई। देखो, 5,000 से एक ढेला कम नहीं लूंगी। शिट। 1, 2, 3, 4 और ये 4.5, ये 4.5 है। बाकी हफ्ता 10 दिन में दे दूंगी। चल ठीक है, बुलाओ उसे अंदर। ठीक है, रखी रखी अल्लाह रखी रखिए अल्लाह रखी। की बात सुनावा इश्क दिया, हाय की दसा की बात सुनावा इश्क दिया। आंखें पैंडे तेज हवावा इश्क दिया, आंखें पैंडे तेज हवावा इश्क दिया। जान
छटन वेख वफावा इश्क दिया, जाना छटन वेख वफावा।